नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो टेक्निक होती है, हमने सदर्न ब्लॉटिंग के बारे में बात की है। सदर्न ब्लॉटिंग जो है किसके लिए है, डीएनए के लिए है। सिमिलरली आरएनए का अगर पता लगाना है किसी सेल के अंदर में कि कितना आरएनए बन रहा है, कितना आरएनए है, ठीक, तो उसको जो पता लगाने के लिए जो हम क्या करते हैं, नॉर्दर्न ब्लॉट यूज करते हैं, ठीक। या फिर दूसरा आप बोल सकते हैं जीन एक्सप्रेशन के लिए। जीन एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है भाई, देखिए आपका एक डीएनए जो है ये क्या करता है, ये डीएनए से आपका एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, यानी कि इसमें जो है डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है और वो जीन जो है क्या करता है, बार बार अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए पहले आरएनए बनाएगा और आरएनए से फिर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक। तो यहां पर जीन एक्सप्रेशन यानी जितना ज्यादा आरएनए दिख रहा है मतलब वह जीन उतना ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी उतना ज्यादा प्रोटीन बना रहा है, ठीक। सिमिलरली जैसे कि ये जो है आपका जीन एक्सप्रेशन वाला काम जो है किसमें यूज करते हैं, तो कैंसर सेल वगैरह में हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। कहां पर, कैंसर सेल के अंदर में। अब कैंसर सेल के अंदर में देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है ट्यूमर सप्रेसर जीन और एक होती है ऑनको जीन, ठीक। अब ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होती है ये क्या होती है, तो ये नॉर्मली किसी भी सेल में ग्रोथ जो डिवाइड हो रहा है उसको कम करना या बंद करने का काम कौन करता है, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन करती है, ठीक। वहीं पर ही ऑनको जीन जो है ये क्या होती है, ये कार्सिनोजेनिक होती है, यानी कि ये जीन क्या करती है, बार बार अपने आप को एक्सप्रेस करती है। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन काम नहीं कर रही है तो इसलिए इसका आरएनए जो है, यानी कि इस जीन से बनने वाला आरएनए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहीं कैंसर में ऑनकोजीन जो होती है ये क्या होती है, ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेस होती है, जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेस होने के कारण है इनमें आरएनए की अगर हम बात करेंगे तो क्या है, ज्यादा मिलेगा, ठीक। तो इस प्रकार से किसी सेल में कौन सा आरएनए ज्यादा हो रहा है तो हम कौन सी जीन ज्यादा काम करती कौन सी नहीं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी जीन काम नहीं कर रही है उसका आरएनए नहीं दिखेगा हमें, ठीक। तो इस प्रकार से आरएनए या जीन एक्सप्रेशन को यदि हमें देखना है तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर ये जो है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को क्या कर रहे हैं, यूज करते हैं। सबसे पहले इस टेक्निक में क्या करेंगे, तो इस टेक्निक में आप जो है एक सेल लिया, सेल के अंदर में क्या है, तो सेल के अंदर में आपका ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वगैरह सब कुछ होता है, प्लांट सेल हुआ तो सेल वॉल वगैरह हुआ, हम क्या करते हैं सब चीज को डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक। यानी कि आपका यहाँ पर अगर सेलुलोज है तो सेलुलेज से डाइजेस्ट कर दिया, लाइपेज से डाइजेस्ट कर दिया, डीएनए के लिए डीएनए जो है आपका यहाँ पर डाइजेस्ट कर दिया, इसके थ्रू क्या हुआ तो सब चीज हट गई, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, ठीक। अब इन सबको हटने के बाद जो बचा वो खाली क्या बचा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, क्या बच रहा है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन रहा है, ठीक। अब इस आरएनए जो है यानी कि आपके बहुत सारे आरएनए के आपको क्या होंगे, यहां पर सैंपल्स मिल जाएंगे, और ये आरएनए के सैंपल्स क्या हैं, तो ये बहुत सारे आपको यहां पर हैं, ठीक। अब आपके काम का कौन सा है वो आपको नहीं पता अभी, ठीक है, मतलब आपको पता है लेकिन इनमें से कौन सा है ये आप क्या कर रहे हैं, पता लगाना चाहते हैं कि आपके काम का कितने आरएनए है, ठीक। देखो भाई बॉडी में बहुत सारी जीन्स है ना, तो हर जीन कुछ ना कुछ तो आरएनए बनाई होगी, तो वो आरएनए क्या होगा, पड़े हुए होंगे, ठीक है। तो उनमें से हमारे काम का जो आरएनए वो हमें पता लगाना है, तो हमने क्या किया, इस ग्रुप को पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या किया, सेपरेट किया, सैंपल को लिया, सैंपल को यहां पर पुट किया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपका लगाया, यानी आपका यहां पर कैथोड और एनोड रखा, और ये क्या हुए, सिंस आरएनए नेगेटिवली चार्ज है तो ये किसकी तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव, एनोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक। तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जब मूव करते हैं तो जो छोटे फ्रैगमेंट होते हैं वो दूर तक आते हैं और जो बड़े फ्रैगमेंट है वे ऊपर ही ऊपर रह जाते हैं, ठीक। इस प्रकार से ये क्या हुआ, सेपरेट हो गया। अब ये जो जेल है, ये जेल में क्या होता है, तो ये जेल आपका भाई सेमी विस्कस है ना, तो अभी यहां पर क्या है, विस्कोसिटी होने के कारण ये जो फ्रैगमेंट है इधर उधर हो सकते हैं, तो इन फ्रैगमेंट को उनकी प्लेस में ही रखना है फर्दर स्टडी करने के लिए, जिससे गायब मत हो, खराब मत हो। हम क्या करते हैं, इसको अगला जो प्रोसेस है ब्लॉटिंग टेक्निकली यूज करेंगे, ठीक। लेकिन ब्लॉटिंग के पहले जो है हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक और केमिकल से इसको इनक्यूबेट करते हैं, किससे, तो ये जो है आपका इनक्यूबेट किया जाता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ में, ठीक। देखिए सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में अगर याद हो तो यहां पर हमने क्या किया था, इसको इनक्यूबेट किया था आपका एल्कली, ठीक है, डाइल्यूट एल्कली के साथ वहां पर उसको क्या किया था, रखा था वहां पर, चूंकि हमें क्या करना था, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था उसको तोड़ना था,
अब यहां पर हमें क्या है, तो हमें यहां पर इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, तो यहां सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, बस इसको क्या करना है हमें, ये जो आरएनए होते हैं सिंगल स्ट्रैंड होने के कारण क्या करते हैं, सुपर कॉइलिंग वगैरह बना लेते हैं, डबल आपका जो है लीनियर स्ट्रक्चर के अगर टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर वगैरह फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो हमें फर्दर स्टडी के लिए जो है आरएनए कैसा चाहिए, स्ट्रेट चाहिए, सीधा सीधा चाहिए, ये टेढ़ा मेढ़ा आपका जो है सुपर कॉइलिंग वगैरह करना या कॉइलिंग करना या आपका हेलिकल स्ट्रक्चर वैसा वाला कुछ नहीं चाहिए। ठीक, तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर जब बनाता है तो ये क्या करता है, ये अपने ही एक्सिस पे कहीं ना कहीं दूसरों के साथ में क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। जैसे यहाँ पे बॉन्ड बना लिया इसने, यहाँ पर ये मुड़ा तो इसने यहाँ यहाँ पर बॉन्ड बना लिया। ठीक, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जो बॉन्डिंग होने के कारण जो इसके स्ट्रक्चर चेंज हुआ है इसको ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड ये सबको ब्रेक करेगा बॉन्ड को और आरएनए को कैसा कर देगा, सीधा कर देगा, लीनियर आरएनए। ठीक, अब इस लीनियर आरएनए वाले इस जेल को हम जो है क्या करते हैं, यहां पर आपका ट्रांसफर बफर में भेज देते हैं। ट्रांसफर बफर का काम क्या है, तो ट्रांसफर बफर का काम है कि ये जो है क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन से जेल से जिसमें आरएनए है इसको क्या करता है, आपका जेल से जो है इस ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन के ऊपर में ट्रांसफर करेगा। ठीक, बनता कैसे है ये, तो देखिए यहां पर जो है हमने क्या किया, एक पूरा बीकर लिया, इस बीकर के अंदर में हमने क्या डाल दिया, बफर सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, और ये बफर सॉल्यूशन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर बफर बोलते हैं। अब यहां पर सबसे पहले जो है नीचे में जो हम यहां पर यूज करेंगे वो क्या है, स्पॉन्ज यूज करते हैं या आपका ग्लास वगैरह का बेस यूज करेंगे। ये बेस किस लिए चाहिए भाई, आपका जो जेल आएगा, जेल सीधा नीचे जमीन पे तो नहीं रखना है ना, इसको ऊपर में किसी चीज के ऊपर रखना पड़ता है, तो हम किस में रख रहे हैं, तो हम जो है इस सपोर्ट के ऊपर में क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। अब इसके बाद अगला जो है आपका क्या रख रहे हैं, तो नेक्स्ट आपका ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन को रखते हैं। ठीक, ये ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, तो ये ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन नायलॉन या नाइट्रोसेल्युलोज की होती है। नायलॉन को मोस्टली यूज किया जाता है क्योंकि ये जो है क्या होती है, काफी स्ट्रॉन्ग होती है और ये जो है आपका आरएनए के साथ में, किसके साथ में, आरएनए के साथ में, डीएनए के साथ में क्या करती है, टाइटली बाउंड करती है, फिक्स रहेगी। ठीक, तो ये फिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, बिल्कुल भी मूवमेंट आरएनए का नहीं होता। ठीक, और इसके ऊपर हमने क्या किया, इसके ऊपर में हमने पेपर टॉयल्स रखे और थोड़ा वजन रखा जिसकी वजह से क्या हो, ये दोनों मेम्ब्रेन और जेल एकदम पास पास रहे, क्लोज एसोसिएशन रहे। अब क्या होता है, बाहर से ये जो आपका बफर सॉल्यूशन है, ट्रांसफर बफर, ये क्या होता है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू मूव करना चालू करता है। यहां से ये ग्लास से होता हो, स्पॉन्ज से होता हो, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक, अब ये जब ऊपर जाता है तो ये सबसे पहले कहां आया, ग्लास या स्पॉन्ज के अंदर से होता हुआ, ग्लास तो नहीं जाएगा लेकिन स्पॉन्ज के अंदर से होता हुआ जाएगा। जाने के बाद ये टकराएगा किससे, जेल में, जेल से होता हुआ जा रहा है। अब जेल में जहां जहां आरएनए होते हैं ये क्या करता है, आरएनए को अपने साथ ऊपर ले जाएगा और ऊपर ले जाके क्या करता है, आरएनए को जहां पर नीचे था सेम उसी साइट में क्या करेगा, आरएनए को ले जाके ये फिक्स कर देता है। क्या किया, आरएनए को ले गया और ये नीचे से जाने के बाद अब यहां से जो है ट्रांसफर हो गया कहां पर, ऊपर में। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, ट्रांसफर बफर बोला। अब ये ट्रांसफर बफर और ऊपर जाता है और ये पेपर टॉयल को क्या करेगा, गीला करेगा। पेपर टॉयल गीला होना मतलब क्या है, हमें समझ में आ गया कि अब क्या है, ये जो है आपका ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन में पूरा आरएनए चला गया। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो ब्लॉटिंग पेपर का साइज होता है वह साइज आपका इस जेल जो है ना आपका यहां पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जो जेल प्लेट थी इस जेल प्लेट के बराबर होता है। कम होगा तो क्या होगा, यहां वाला आरएनए छूट सकता है, यहां वाला छूट सकता है, लटका हुआ होगा तो इधर उधर जाने का, तो जितना बड़ा है सेम टू सेम सेम साइट में जाने के लिए आप क्या करते हैं, इसको यहां ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन में सेम साइज का यूज करते हैं। ठीक, एक बार आपका ये ट्रांसफर हो गया तो ट्रांसफर होने के बाद अगला जो स्टेप है आप क्या करते हैं, ये जो है आप अगला स्टेप है उसको जो यूज किया जाता है वो है आपका फिक्सेशन। क्या करना है, फिक्सेशन करने का काम करते हैं। फिक्सेशन में क्या है, तो यहां पर फिक्स करने के लिए यानी कि इसको इसी जगह पे चिपका रहे आगे आप कभी भी मूव ना करें, परमानेंट फिक्सेशन करना है तो आप क्या यूज करते हैं, या तो थोड़ा सा हीट ट्रीटमेंट कर दो, गर्म कर दो, या यूवी से एक्सपोजर कर दो। ठीक, इन दोनों तरीके से क्या हो गया, अब ये पेपर में फिट हो गया। अब आरएनए आपको नॉर्मली जैसे डीएनए नहीं दिख रहा था, सिमिलरली वैसे आरएनए भी दिखाई नहीं देता। अब इसको देखने के लिए जो है इस आरएनए को हमें विजुअलाइज करना है। क्या करना है, इस आरएनए को विजुअलाइज करना है, तो इस आरएनए को विजुअलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोब सॉल्यूशन में डाल देते हैं।
ठीक। अब इसमें प्रोब सॉल्यूशन में क्या है, तो इसके अंदर में आपके कुछ प्रोब पाए जाते हैं। प्रोब क्या है, तो प्रोब जो है ये आपके ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, यानी न्यूक्लियोटाइड की एक चेन, लेकिन काफी बड़ी नहीं, 100 से 200 जो है आपका 150 तक की क्या होंगी, न्यूक्लियोटाइड की एक चेन होगी जो क्या होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री होती है आरएनए की। भाई आपको क्या पता लगाना था, कैंसर वाला आरएनए, कौन सा कैंसर जीन से ये कैंसर जीन वाली जो है कितना एक्सप्रेस हो रही है, यानी वो कितना आरएनए बना रही है। तो हमने क्या किया, हमने उस आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया, इस आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री हमने क्या किया, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बना के रखा है कि भाई ये आरएनए के 100-200 सीक्वेंस यानी शुरुआत के जो रहेंगे वहां वहां पर क्या होगा, ये जाके कॉम्प्लीमेंट्री चिपक जाएगा। ठीक, मान लो आपका ये आरएनए क्या था, यू यू ए, ठीक है, हाँ सी सी जी, ये जो है क्या है, ये आपका यहां कॉम्प्लीमेंट्री, आपका मेन आरएनए जो है ये जो प्रोटीन बनाता उससे कैंसर हो रहा था। तो आपने क्या किया, इस आरएनए का जो है कुछ सीक्वेंस लिया और उसका क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया। क्या बना कॉम्प्लीमेंट्री, यूरासिल के आगे एडेनिन, एडेनिन है, एडेनिन के आगे थाइमिन है, ठीक है, थाइमिन नहीं बोलेंगे हम, एडेनिन के आगे यूरासिल, ग्वानिन है, ग्वानिन और साइटोसिन, ये जो है क्या हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। ठीक, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री जो है यही क्या है, प्रोब की तरह काम करता है। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री में हमने क्या किया, पहला वाला जो न्यूक्लियोटाइड होता है हम इसको क्या करते हैं, रेडियो लेबल्ड बना देते हैं, यानी ये रेडियो एक्टिव है। ठीक है, इसमें जो हमने क्या किया, टैग कर दिया, यानी कि पहला वाला जो है ये क्या है, ये रेडिएशन को एक्सपोज करता है। ठीक, अब रेडियो लेबल न्यूक्लियोटाइड ये या तो हम खरीद लो या क्या करो, आप इसको डिजाइन करवा लो मार्केट में जो है, या तो ये मिलते हैं। ठीक है, हाँ भाई इसका इसका न्यूक्लियोटाइड का आपको देखना है, इंसुलिन वाले के लिए इसके लिए चाहिए तो ये अलग से अवेलेबल होते हैं, बहुत महंगा होता है भाई बनवाना, इसका बहुत कॉस्टली पड़ता है। ठीक, तो इसीलिए जो हम रिएक्शन कराते हैं बहुत सोच समझ के, बहुत कॉशियस के साथ में जो है हम क्या करते हैं, इसको प्रोसीजर को परफॉर्म करवाते हैं। ठीक, तो अब हमने क्या किया, इस रेडियो लेबल्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को लिया और लेके क्या किया, इस प्रोब के अंदर में डाल दिया। ठीक है, यानी प्रोब सॉल्यूशन में। अब ये प्रोब सॉल्यूशन क्या करेगा, तो जहां जहां पर आपका वो आरएनए होगा, ठीक है, हाँ भाई मान लो यहां और यहां दो जगह आपके वो आरएनए थे, तो ये क्या हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट्री उससे चिपक गया। अब हमने एक्सरे फिल्म में क्या किया, ऑटो रेडियोग्राफी से देखा, तो हमें पता चला क्या कि भाई फिल्म में हमें दो बैंड दिखाई दे रहे, मतलब कितने आरएनए हैं इसके, दो ही, यानी ये जीन कितनी बार एक्सप्रेस हो रहा है, दो बार। तो ऐसी जो है, अगर हमें बहुत ज्यादा नंबर मिल रहा है आरएनए का, यानी कि ये बैंड ज्यादा दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये आरएनए ज्यादा बना है। आरएनए ज्यादा बना मतलब वो जीन बहुत ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा एक्टिव मतलब वो क्या कर रही है, अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर रही है। ठीक, तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि कौन सी जीन काम कर रही है, कौन सी नहीं है, कौन सी जीन जो है एक्सप्रेस ज्यादा हो रही है, कौन सी बिल्कुल नहीं हो रही है, कौन सी जीन डिफेक्टिव हो रही है, ये भी पता लगा सकते हैं। भाई आपको पता है इंसुलिन वाली जीन जो है ये क्या बनाएगी, इंसुलिन, तो उसके लिए आरएनए बनाया उसने पहले। अब हमने क्या किया, हमें नॉर्मल इंसुलिन का आरएनए पता है कैसा होता है, तो हमने उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाया। अब इस आदमी के अंदर क्या हुआ, इस व्यक्ति के अंदर में ये जो जीन थी ये डिफेक्टिव हो गई, तो डिफेक्टिव जीन ने क्या किया, आरएनए जो बनाया वो कैसा होगा, डिफेक्टिव होगा। अब यहां पर आइडियली जैसे मैं यहां पर ये बना रहा हूं आपका, ठीक है, ये जो है ये डिफेक्टिव जीन है, इसी से इंसुलिन बनना था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, ये इंसुलिन नहीं बना रहा। जब तक ये नॉर्मल जीन थी तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री जो था ये क्या था, इस आरएनए के साथ आके चिपक जा रहा था और हमें बैंड दिख रहा था। अब क्या हो रहा है, मैं अब प्रोब डाल रहा हूं, प्रोब डालने के बाद भी जब मैं एक्सरे ले रहा हूं तो मेरे को एक भी बैंड नहीं दिख रहा। बैंड नहीं दिख रहा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि यहां पर जो आपका आरएनए है वो आरएनए इंसुलिन वाला नहीं है। अगर होता तो ये पक्का इस कॉम्प्लीमेंट्री के साथ चिपक जाता, मतलब इसके अंदर इंसुलिन बनाने वाली जीन भी क्या हो गई है, गड़बड़ हो गई। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को यहां पर समझ सकते हैं। सेल आरएनए निकाला, आरएनए सेपरेट किया, फिर इसको ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने के बाद फिक्स किया, फिक्स करने के बाद हमने ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब के हेल्प से पता लगाया हमारा आरएनए कितना बन रहा है कितना नहीं। कैंसर सेल की बात करेंगे तो कैंसर सेल में हमें पता चल गया कि भाई ये इतना आरएनए बना रहा है, तो इसके अंदर 500, 1000, 10000 आपको जो है क्या हो रहा है, आरएनए वही वाले मिल रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा एक्सप्रेशन है उस जीन का।
ठीक है, तो हो सकता है वो कैंसरस हो सकती है। ठीक, तो दिस इज नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज्ड फॉर आरएनए एंड जीन एक्सप्रेशन।